गिरमानी, मैं बस सोबिया के आई हुई थी थोड़ी देर के लिए। जैसे यहाँ से फ्री होती हूँ फिर आपकी तरफ चक्कर लगाती हूँ। ओके, सी यू देन, बाय। मामा, अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मेरा बच्चा कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस मेरा दिल चाह रहा था तुमसे मिलने के लिए, इसलिए आ गई। बहुत अच्छा किया, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ ही चलो ना, एक दो दिन मेरे साथ स्टे कर लेना। I wish, मैं आपके साथ जरूर चलती, लेकिन अरमान और आंटी अफान के बगैर नहीं रहेंगे। बेटा तुमने ना खुद को बिल्कुल हाउसवाइफ बना कर रख दिया, हर वक्त बच्चे में बिजी रहती हो, तो जिंदगी को एंजॉय कर नहीं छोड़ती है। नहीं मामा, सच पूछें तो मुझे अफान के साथ बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है, अरमान और आंटी का बिहेवियर भी बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ, पुरानी सब बातें भूल गए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे उजाला कहाँ है? अपनी अम्मी के घर गई। हमजा के साथ? हमजा के साथ क्यों जाएगी? इसलिए कि मैंने उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखा है। नहीं मामा, वो झूठ नहीं बोलती, किसी ड्राइवर के साथ गई होगी। अब मेरी नजरें इतनी भी कमजोर नहीं है बेटा कि मैं उजाला को नहीं पहचान सकूं। उजाला हमजा से अभी भी मिल रही है झूठ बोल बोल के। मैं भी अरमान को बताती हूँ। हरगिज नहीं, तुम अरमान से कुछ नहीं कहोगी। मुझे लगता है कि हमें हमजा और उजाला को थोड़ी ढील और देनी चाहिए। इससे हमें ही फायदा होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आप बैठे, मैं किचन में आपके लिए कॉफी और स्नैक्स के लिए।